एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 7 मार्च को सिंगरौली पहुंचेंगे और विकास की कई सौगातें देंगे। लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री यादव रोड शो करेंगे और करोड़ों के कामों का शिलान्यास एवं भूमि पूजन करेंगे। 7 मार्च को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सिंगरौली में रोड शो करेंगे। रोड शो के बाद कार्यक्रम स्थल एनसीएल ग्राउंड बिजौली में विभिन्न निर्माण कार्यों का शिलान्यास व भूमि पूजन किया जाएगा। सिंगरौली कलेक्टर अरुण कुमार परमार, देवसर विधायक राजन मेश्याम व सिंगरौली विधायक रामनिवास शाह व मंत्री राधा सिंह ने बताया कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का सिंगरौली में पहली बार दौरा हो रहा है। वे राष्ट्रीय ग्रामीण एवं शहरी आजीविका मिशन के स्व सहायता सम्मेलन तथा 229 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत वाले भूमि पूजन एवं लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होंगे। जो प्रोग्राम पे होगा उसके अनुसार जो हरेली में एक हेलीपैड बना है वहाँ से हेलीकॉप्टर से माननीय आएंगे। उसके बाद एक उनका रोड शो भी रहेगा। रोड शो के बाद में जो हमारा जो स्वरोजगार सम्मेलन है शहरी आजीविका मिशन और ग्रामीण आजीविका मिशन के बहनों के साथ में उस सम्मेलन में भाग लेंगे। वहाँ पर 230 करोड़ के लगभग राशि के कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन भी रहेगा साथ में। और उसके बाद में जो ये संवाद होने के बाद में फिर माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ से एयर स्ट्रिप सिंगरौली के माध्यम से प्रस्थान। निश्चित रूप से पहले ही सीएम साहब ने रोड परियोजना का सारे काम व्यवस्थित कर लिए हैं और जैसे ही लोकसभा का चुनाव हमारा संपन्न हो जाएगा रोड परियोजना का कार्य धरती पर झुकने लगेगा। सीएम तो उदार हृदय के विशाल और विराट हृदय के व्यक्ति हैं। निश्चित रूप से एयर हमारा प्लेन चलने की मांग हम सारे लोग जनप्रतिनिधि कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि सिंगरौली के धरती से प्लेन चलेगा, ऐसी उनसे हमारी मांग रहेगी और मुझे विश्वास है कि उस मांग को स्वीकार। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।